13 पार्ट देखिए, 13 पार्ट हमारे पास इस तरह क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो कौन से वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए हमने ये देखना है a plus b is equal to होना चाहिए c plus d, यानी यहाँ पर a 3 है तो इसे इसमें ऐड करें तो फिर बाकी दो को भी आपस में ऐड करें तो इक्वल आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास x minus 3, x plus 9 और x plus 5, x minus 7 is equal to है 385। तो यहाँ पर 3 और 9 को अगर ऐड करें तो भी मिल रहा है माइनस 6 मिल रहा है, और यहाँ जब इनको ऐड करें तो हमें मिल रहा है माइनस 2, यानी ये इक्वल नहीं है। कौन से आपस में इक्वल होंगे तो वो है अगर माइनस 3 और प्लस 5 को ऐड करें तो 2 मिलता है, यानी माइनस 3 प्लस 5 करें तो 2 मिलता है, और अब यहाँ पर 9 माइनस 7 करें तो इससे भी 2 मिलता है। इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स माइनस 3 इन टू एक्स प्लस 5 और x plus 9 into x minus 7 is equal to 385। इन दो का आपस में मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा x square plus 5x minus 3x और minus 15। यहाँ से हमें मिलेगा x square plus minus 7x plus 9x और minus 63 is equal to 385। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर प्लस 2x, 5x माइनस 3x प्लस 2x हो जाता है माइनस 15, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस 2x यहाँ पर मिला माइनस 63 इक्वल टू 385। तो यहाँ पर अब हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू जो चीज़ कॉमन है दोनों में जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो y इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब हम इसे पुट करते हैं तो हमें मिल रहा है y माइनस 15 और y माइनस 63 इज इक्वल टू 385। ये हमने लेट किया, ठीक है। अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 63y माइनस 15y और माइनस माइनस प्लस, जब 15 और 63 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 945 इज इक्वल टू 385। सिंपल बनाते हैं इसे तो हमें मिल रहा है वाई स्क्वायर और माइनस ये हमें मिलेगा 70 माइनस 63 और माइनस 15, जब आप इसको ऐड हो गए तो बन रहा है 78y और प्लस 945 और माइनस 85 को लेकर आएंगे ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 78y और जब हम 945 में से 385 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 560 इक्वल टू 0। अब हम इसके दो फैक्टर्स बनाएंगे, दो फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं वाई स्क्वायर माइनस 70 और माइनस 81। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 560 मिल जाता है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम y कॉमन लेंगे, y कॉमन लिया तो पीछे रह गया y माइनस 70 और माइनस 8 कॉमन लिया तो y माइनस 70 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएंगे y माइनस 8 और y माइनस 70 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 70 जब हम पहले रहेगा इक्वल टू 0 लेंगे, लेकिन ये हमारे पास आंसर नहीं है। अब हम वापस पुट करेंगे y में, सिंस हमारे पास y इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 2x। तो एक दफा आउट पुट करते हैं when y is equal to 8, हो जाएगा 8 is equal to x square plus 2x, ये हमारे पास हो जाएगा 0 is equal to x square plus 2x और minus 8। अब हम दो words देखेंगे, दो ऐसे integer देखेंगे जो यहाँ पर इसको multiply करें तो minus 8 मिले और plus करें तो 2 मिले, तो वो हमारे पास हैं x square minus 4x plus 4x
to x plus 4 and 2x minus 2. जब हम अलग-अलग इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x plus 4 equal to 0 और x minus 2 equal to 0. तो x is equal to minus 4 और x is equal to 2. ये दो आंसर आ गए. लेकिन अब एक और वैल्यू y की देती है. तो when y is equal to हमारे पास है 70. अब हम 70 पुट करते हैं, यानी हमारे पास आ जाएगा 70 is equal to x square plus 2x. तो ये हो जाएगा 0 is equal to x square plus 2x minus 70. अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास a is equal to a 1, b is equal to a minus plus 2 और c is equal to minus 20, x is equal to होता है minus b plus minus b square minus 4ac divided by 12. वैल्यूज पुट करते हैं तो x is equal to हुआ minus 2 plus minus b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर minus 4ac यानी कि 1 into 70 divided by 2 है यानी 2 into 1. x is equal to हुआ minus 2 plus minus यानी 4 और plus 4 into 70 ये minus 70 हाँ तो हमारे पास आ गया 280 divided by 2. सिंपलीफाई करें तो minus 2 plus minus 284 divided by 2. तो इसे हम लिख सकते हैं x is equal to minus 2 plus minus यहाँ पर लेकिन 4 into 71. तो 71 को 4 से मल्टीप्लाई करें 284 मिलता है. और हमने इसके लिए लिया है ताकि हम इसे बाहर निकाल सकें. x और minus 2 plus minus 4 को लेकर लिखा और 71 को लेकर लिखा divided by 2. तो 4 square root से बाहर आ जाएगा. तो ये हमारे पास x is equal to minus 2 plus minus 271 divided by 2. अब यहाँ पर हम 2 common लेंगे. अगर हम 2 common लेते हैं तो आ जाएगा हमारे 2 common लिया तो minus 1 plus minus under root में 71 divided by 2. 2 के साथ cancel तो x is equal to y minus 1 plus minus square root में 71. तो ये हमारे पास दो आंसर यहाँ से आ गए. और इस तरीके से सॉल्यूशन सेट हमारे पास बना is equal to minus 4, 2 और 1, minus 1 plus minus square root में 71. तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का required solution set है. साइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन देखें जिसमें कहा गया सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर x की पावर 4 minus 2x cube minus 2x square plus 2x plus 1 equal to 0. इसे हम सॉल्व करेंगे लेकिन इसे सबसे पहले रीअरेंज करें. तो ये हमारे पास है x स्क्वायर minus 2x cube minus 2x square plus 2x plus 1 equal to 0. तो हम इसे पहले सिंपलीफाई करते हैं. तो इसे x square से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ. तो x 4 divided by x square minus 2x cube divided by x square minus 2x square divided by x square plus 2x divided by x square plus 1 divided by x square equal to 0. अब हम इसे सिंपल बनाते हैं तो ये हो जाएगा x square minus 2x और minus 2 plus 2 divided by x और plus 1 over x square ऐसे ही रहा equal to 0. रीअरेंज करते हैं तो ये x square हो जाएगा plus यहाँ पर है 1 over x square लिखते हैं और minus 2x और plus 2 divided by x minus 2 equal to 0. तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं x square plus 1 over x square और minus 2 common लिया तो यहाँ पर देखें x minus 1 over x और minus 2 equal to 0. अब हम लेट करेंगे तो यहाँ पर लिख करेंगे y equal to x minus 1 over x. दोनों तरफ square लिया तो y square is equal to x minus 1 over x का whole square. ओपन करेंगे square तो यहाँ पर मिलेगा x square minus plus 1 over x square और minus 2 मिलेगा. माइनस टू ए बी तो ए बी में एक्स एंड वन और एक्स 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 के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू टू इस तरह का प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर की जगह पर. तो ये दो वैल्यूज हम पुट करेंगे हम हमारे पास जो इक्वेशन ही गिवन. तो जब हम ये पुट करेंगे तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस टू और माइनस टू वाई
minus 2 equal to 0. We have like y square plus 2 minus 2y minus 2 equal to 0. So yeah, so here 2 or minus 2 cancel with any y square minus 2y there. So here y common link to y minus 2y. y minus 2 रह जाएगा तो y equal to 0 एक आंसर है और y is equal to 2 क्योंकि y minus 2 equal to 0 लगेगा तो उस तरह जाकर प्लस हो जाएगा तो ये दो वेरिएबल्स आ गए लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है इसे हम वापस पुट करेंगे x की में तो जहां पर हमने लेट किया था लेट हमने किया था y equal to x minus 1 और x सेंस हम लिखते हैं सेंस y is equal to है x minus 1 और x तो when y के एक वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 0 when y equal to 0 तो 0 पुट किया 0 x minus 1 और x यहां से क्रॉस एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x x square minus 1 तो 0 is equal to x square minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई से मिलता है तो यहां से हम लिख सकते हैं x square is equal to 1 तो x is equal to आ जाएगा plus minus 1 जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम y जब होगा n y is equal to हमारे पास है 2 तो अब 2 पुट करते हैं तो 2 is equal to x minus 1 और x LCM लिया तो आया x x square minus 1 तो 2x is equal to x square minus 1 तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 is equal to x square minus 2x minus 1 अब इसको हम फैक्टर ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होगा हमारे पास है 0 is equal to x square minus 2x minus 1 a is equal to है 1 b is equal to है minus 2 और c is equal to है minus 1 अब हम फार्मूला पुट करते हैं तो फार्मूला है x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root में divide by 2a तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हो जाएगा x is equal to minus minus 2 into plus minus minus 2 का square minus 4 into minus 1 into minus 1 divided by 2 into 1 तो जाएगा x is equal to 2 plus minus और 4 plus 4 divided by 2 तो जाएगा x is equal to 2 plus minus 8 divided by 2 अब हम इसे लिख सकते हैं x is equal to 2 plus minus 4 into 2 divided by 2 x is equal to 1 by 2 plus minus square root में 4 alayga square root में 2 alayga divided by 2 x is equal to 2 plus minus ये square root में 4 2 आजाएगा square root में 2 divided by 2 अब हम इसमें से 2 common लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x is equal to 2 common लिया तो रह गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2 अब ये 2 2 के साथ कैंसिल तो x इज इक्वल टू आया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बाय 2 तो दो आंसर ये हो गए सॉल्यूशन सेट हमारे पास इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बाय 2 तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर दी अगर किसी क्वेश्चन में आपको मसला हो